33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं IVTV। राज्यसभा से RCP सिंह का पत्ता कट गया है और उन्होंने इस फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने अपने नेता नीतीश कुमार की तरफ नरमी दिखाई है, लेकिन JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के वो गर्म नजर आए। दरअसल उन्होंने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि ललन सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने जो प्रकोष्ठ बनाए थे उसे और भी घटा दिया है। पहले आप देखिए ये वीडियो। जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता रहा और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू का, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूँ, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए थे, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था, और हमने जितने निर्णय लिए थे इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया था, और इसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका TV चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज़्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है, तो आप जानते हैं समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लग रहे थे क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत है, आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया हूँ तो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूँगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला, चूँकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं। साहब आप और बनाइए, और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें उत्तर और दक्षिण था उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी, अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी पर ही दूंगा, तो जहाँ भी हमारे साथी संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए, और अपने नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो RCP सिंह ने बताया कि उन्होंने कुल 33 प्रकोष्ठ शुरू किए थे, लेकिन अब वो घट करके 10-12 हो गए हैं, जिस पर उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये बढ़ने चाहिए थे, अगर 33 थे तो 53 होने चाहिए थे, ना कि घटने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रकोष्ठ थे उन सभी प्रकोष्ठों को फिर से सक्रिय किया जाए और साथ ही नए प्रकोष्ठ भी बनाए जाएँ। उन्होंने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाया कि उन्होंने JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इतना काम किया था जिसकी वजह से गांव-गांव तक आज संगठन की पहुंच है, लेकिन अब इन सभी प्रकोष्ठों को बंद कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक खामी है, और इसको लेकर के उन्होंने इशारों ही इशारों में ललन सिंह पर हमला भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IVTV के साथ। धन्यवाद।